हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. वेलकम टू क्रिएटिव एजुकेशनल आइडिया. फ्रेंड्स, आमे लास्ट क्लास रे विभक्ति एवं ता पूर्वरु कारक पढ़ी सारी एवं आज क्लास रे आमे पढ़िबा समास विषय रे. ए सब पढ़िबा पूर्वरु समास आपण मने रखंतु जे कारक विभक्ति एवं समास ए तीनोटी टॉपिक रु आपणकर मैक्स टू मैक्स 5 to 6 मार्क्स रो क्वेश्चन आसीजाए. आपणकर कारक रु 2 मार्क आसीजाए, समास रु 2 मार्क आसीजाए एवं विभक्ति रु 1 एवं 2 मार्क्स भी आसीजाए. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि 5 मार्क नहले 6 मार्क बुझिले. आपणकर एग्जाम रे बीएड रो सिटी रो एग्जाम रे आपणकर 2 रु 3 मार्क आसे विभक्ति एवं कारक को नै कि समास रु पचारि देई पारे से तेणु बा सेथिपै आमे समासटा को सिटी पिला माननको मध्य प्रोवाइड करूछु. आपण स्किप करंतुनी. आपणकर टॉपिक रे मध्य सिलेबस रे मध्य समास अछि. बेले बेले पळै आसे क्वेश्चन आसे, बट जदि भी आसुछि ताहाले हार्डली 3 to 4 मार्क, मैक्सिमम 3 मार्क. एंड जदि एक्सटर्नल बेसी इंटरेस्टिंग थे ये टॉपिक ऊपर ताहाले 4 मार्क पकेई पारंती. बट बीएड पिला माननको पई एटा आपणकर 5 to 6 मार्क्स पचारे. 6 मार्क्स डेफिनेटली से पचारे, 2 मार्क कारक, 2 मार्क विभक्ति एवं 2 मार्क समास. तेणु आपणकर कारक विभक्ति एवं समास विषय रे नॉलेज, बेसिक नॉलेज थिबा एतिक नॉलेज कि आपण फाइंड आउट करि परिबे कारकटा जदि केउ कारक, विभक्ति जदि केउ विभक्ति एवं केउ अर्थरे विभक्ति. आपणकर क्वेश्चन पेपर मु देखुतली प्रीवियस इयर एक्जाक्टली सेटा आसीचे. जेमते कि मु कहुतली हेतु अर्थरे केउ विभक्ति, धिक अर्थरे केउ विभक्ति, मूल्य अर्थरे केउ विभक्ति, से सब आसीचे. सो आपण अटेंड कले जदि आपण प्रीवियस इयर बा ता पूर्वर अटेंड करथिबे तो निजे भी जानथिबे एवं एठी आमे मध्य आपण को प्रीवियस इयर प्रैक्टिस रे देखेबो. समास पढ़िबा पूर्वर मु कहूची कि आजिर क्लास आपणकर आपण विश्वास करिवेनी जितिक आपणकर समासटा एक भास्ट सिलेबस माने बहुत अधिक अछि. गुडाए प्रकार समास अछि एवं ता भितरे सब पॉइंट मध्य गुडाए अछि. जते बेले मु ए वीडियो करिबा आपणकर क्लास करिबा स्टार्ट कली, कंप्लीट करिबा समय रे ही मोर 2 आवर ऊपर को पळेला. देन जतेबेळे आकु फिनिश करली, जतेबेळे टाइमिंग देखली, 2 आवर ऊपर को से पळे गेलानी. एवं मु जानली जे कि एते आवर रो आपण मानको नेट भी बहुत प्रॉब्लम होई जिवो, अपलोडिंग रे डाउनलोड रे प्रॉब्लम होई जिवो. सो मु एथरो किछि एक्सक्लूड करि दैछि. कौन ना ओनली डेफिनेशंस एवं आपण को कांसेप्ट पई जतिक निहाती आवश्यक सेतिक मु आपण को एथि प्रोवाइड करिछि. तापरे कंप्लीट डिटेल्स आपणकर पीडीएफ रे आपणको प्रोवाइड कर दिया जिवो. ओके, सो आपण एटा को नै कि कंप्लेन बा मनरे एमते डाउट रखिबे नै जे कि जस्ट एतिको ही मैडम पढ़ेले एग्जांपल, 2-2 3-3 एग्जांपल ही देले. कहीं ना एमती खंडिया खबरा हाफ ऑफ द एग्जांपल दे हबनी, जहां आपणको दबाक पडियो कंप्लीट आमको दबाक पडियो. सो आमे मेन कांसेप्ट आमे एठी क्लियर कर दबा एवं पीडीएफ रे कंप्लीट डिटेल्स आपणको दिया हिजबो. कहीं ना किछि पिला आमको पर्सनली मेसेज करछोंदे कि मैम आपण कंप्लीट डिटेल्स दियंतु, आमे डीपली आमे डेप्थली पढ़िया को चाहूँ. सो आमे आपणको कंप्लीट प्रोवाइड करदेबु मटेरियल समास उपरे बा जे कोनो से टॉपिक उपरे आपण ताकु नै कि निजर प्रिपरेशन करिवे. चलो तो स्टार्ट करिबा आजिरो क्लास समास. प्रथमे हमको जानिबा को पडिबो समास कोण. परस्पर संबंध थिबा दुई बा दुई रु अधिक पद को एक पद रे प्रकाश करिबा हेर नाम हेउछि समास. माने आपण एक पदीकरण जहाँ पढ़ी चंती पिला बेलु ए पर्यंत आपण कहि परिबे से सब हेउछि समास. परस्पर संबंध थिबा दुई बा ततोधिक पद को एक पद रे परिणत करिवार नाम हेउछि समास. एग्जांपल देखंतु, चक्र अछि पानी रे जहार, चक्र अछि पानी रे जहार, से महाभारत युद्धर कर्णधार अटंति. ओके, वर्तमान आमे देखिबा कि आमे एही वाक्य रे केउ केउ पद को नेकी गोटिए संबंध क्रिएट करि परिबा एवं ताको आमे छोटो करि परिबा बा शॉर्टकट रे प्रकाश करि परिबा. तेबे एहा करिवार कारण कोन ना संक्षेपरे भाव प्रकाश करिबा समासर उद्देश्य. समासर उद्देश्य कोन, संक्षेपरे भाव को प्रकाश करिबा. देखंतु आमर कोन अछि, चक्र अछि पानी रे जहार, एहा को आमे संक्षेपरे प्रकाश कोन करदेले चक्र पानी.
चक्र अछि पानी रे जहार से महाभारत युद्धर कर्णधार अटंती। एहक आमे संक्षेप रे कोन प्रकाश कर देले चक्र पानी महाभारत युद्धर कर्णधार अटंती। चक्र पानी माने होछन्ते आपणकर श्रीकृष्ण एवं श्रीकृष्ण महाभारत युद्धर कर्णधार अटंती। तबे एही भाबे एही परि भाबे एक विस्तृत वाक्य को बा विस्तृत खंड वाक्य को आपणकर एक खंड वाक्य को संक्षेप रे आमर परिप्रकाश करबा को आमे कोन कहिबा समास कहिबा। चलन देखिबा समास रे कोन कोन अछि। समास रे गुटी अछि आपण सब लेखा डेफिनेशन सब छाड़ दियंतु। समास रे अछि गुटी समस्त पद एवं अन्यटी होछि समस्य मान पद एवं अन्यटी आउ गुटी होछि विग्रह वाक्य। ठीक अछि समस्त पद समस्य मान पद एवं विग्रह वाक्य ये तीनोटी आम देखा जे जो समासटी आम क्रिएट कले कौन थी आम समास पदटी चक्र पाणी यही पदटी भितरे किए आपणकर समस्त पद किए समस्त मान पद देखु चक्र पाणी किए यही जो आपणकर देखु चक्र अच्छी पाणी रे जहार इज इक्वल टू चक्र पाणी। ठीक अच्छे इज इक्वल टू चक्रपाणी एटा आपण मन रखंतु। तबे वर्तमान देखंतु समासरे पदगुड़िक मिलित हेबा परे जेउ पद सृष्टि करंते ताहाकु समस्त पद कहुआए। दैट मीन्स कि चक्र अछि पाणी रे जहार एही वाक्य को बा एही पद को आमे कोन कले एक सरल संक्षेप वाक्य रे संक्षेप रे प्रकाश कर देले चक्रपाणी। एही चक्रपाणी हेउछि आपणंकर समस्त पद जेउ पदटी अन्य पद मानंकु मिसि तयारी होइछे से होछे समस्त पद। समस्त पद काहेकि ना जेतोटी एथि पद थिला से समस्त पद को मिसै दिया जायछि एवं संक्षेप रे परिप्रकाश करा जायछि चक्रपाणी। तेणु संक्षेप रे परिप्रकाश शब्दटी आपणकर कोन होइछिबो समस्त पद। सेकंड आपणकर आसी होछि आपण एथि आउ किछि एग्जांपल भी देइछि आपण देखि परिबे सिंह चिह्नित आसन सिंहासन एठारे सिंहासन हेउछि समस्त पद। सिंह हेउछि पूर्व पद ओ आसन हेउछि पर पद बा उत्तर पद। एही देखंतु सिंहासन रे आपणकर एठी देखंतु सिंहासन सिंह चिह्नित आसन त प्रथमे आपणकर केउ पद आसिला सिंह प्रथमे आपणकर केउ पद आसिला सिंह। तेणु सिंह होइजिबो आपणकर पूर्व पद एवं परे आपणकर केउ पद आसिला आसन। तेणु परपद कौन हो आसन होपद पूर्वपद सिंह एवं परपद हो आसन परपद को आम उत्तर पद मध्य कहूँ। ओके परपद को आम कौन कह तार अन्य नाम कौन अच्छी उत्तर पद। बर्तमान आप देख बुझिपे यही वाक्य को देखु सिंह चिह्नित आसन कौन हो गला सिंहासन संक्षेपरे एही संक्षेपरे प्रकाश होबा ही आपणकर समस्त पद एवं एही संक्षेपरे प्रकाश पदर आपण जेतेबेले एही वाक्य को देखिबे विस्तृत वाक्य को देखिबे तेबे सेटा कौन होइजिबो सिंह प्रथमे आसुचे तो से होइजिबो पूर्व पद एवं आसन आपणकर परे आसिथिबारो से होइजिबो पर पद बा उत्तर पद। वर्तमान चलंतु देखिबा समस्य मान पद कौन। समस्य मान पद कौन ना ए सबु पद हेउछि समस्य मान पद जेउपरि भावरे संक्षेपित वाक्य पदटी आपणकर समस्त पद होइगला सेहिपरि एठी थिबा समस्त पद आपणकर समस्य मान पद। देखंतु सिंहासन समस्त पद रे सिंह गोटिए समस्य मान पद ओ आसन मध्य आउ एक समस्य मान पद किपरि होइछि से सिंह चिह्नित आसन रु तयारी होइछि आपणकर सिंहासन। तेबे आपणकर खंड वाक्य रे जेऊ जेऊ पद थिबो से होइजिबो आपणकर समस्य मान पद। जेऊ पद गुडीकर मिश्रण रे समस्त पद गठित हुए सेही पद गुडीक गोटिए गोटिए समस्य मान। क्लियर आई डोंट थिंक एते सहज आपणको किछि एक्सप्लेन करिया को पडिबो। आमे जहाँ भी वर्तमान आज कनसेप्ट पढ़ा डिटेल्स रे कनसेप्ट को डीपली बुझे चेस्टा करवा बट डीपली तार क्वेश्चन आंसर एंड प्राक्टिस आपको पीडीएफ रे मिल जाव। देन आम पढ़ा विग्रह वाक्य कौन। देखु समास अंतर्गत पद मानकर परस्पर संबंध जानवापी जो वाक्य को गढ़ा जाए ताकू आम विग्रह वाक्य कह विग्रह वाक्य को व्यास वाक्य समास वाक्य
कहुए कौन से देख समास अंतर्गत पद मान जो संबंध अच्छी जमीक सिंह सहित सन बा आसनर कौन अच्छे सिंह चिह्नित आसन जो आप धीरे धीरे प्राक्टिस बुझीजे यार अर्थ नेक्स्ट ये देखु सिंह चिह्नित आसन प्रथम कौन आसला सिंह तेणु से पूर्व पद यापर द्वितीय पर आपंकर आसला आसन तेणु से कौन हो गला पर पद बा उत्तर पद एवं सिंहासन आपणकर समस्त पद एवं एही सिंह आसन ए सब हो आपणकर क्यों पद समस्त मान पद क्लियर नेक्स्ट देखु समास केते प्रकारर छ प्रकारर समास आपणकर छ प्रकारर तत्पुरुष समास कर्मधारय समास द्विगु समास द्वंद समास बहुव्रीही समास अव्यय भाव समास साधारणतः यही सब समास मध्यरे पिला माने कन्फ्यूज हो जाती बट आपण कन्फ्यूज हेबेनी आम मिसी पढ़ी पढ़ी जीवा एवं कन्सेप्ट को क्लीयर करी जीवा चलो तो प्रथम देखिबा आमर तत्पुरुष समास कौन देखु द्वितीय ठारु सप्तमी पर्यंत विभक्ति युक्त होइथिबो प्रथम को एक्सक्लूड करदे प्रथम आपणकर तत्पुरुष समास रे जीव ना तेब आपणकर आउ केतोटी रही जाउची द्वितीय समास रु सप्तम समास बा सप्तमी विभक्ति द्वितीय विभक्ति रु सप्तमी विभक्ति पर्यंत जहाँ रही जाउची से सब कौन होइथिबो विशेष्य पद सहित विशेष्य किंबा विशेषण पदर समास होई पर पदर अर्थर प्राधान्य रहिले तत्पुरुष समास हुए यार अर्थ हेउची देखु गोटे विशेष्य थिबो एवं अन्यटी विशेषण थिबो बा विशेषण थिबो बा उभय विशेष्य होई पारिबो बा उभय विशेषण होई पारिबो तेबे क्रिएट हो सारा पर पूर्व पद कौन पर पद कौन आप बुझे तेब जो आपणकर समस्त पदटी तैयारी हम माने संक्षेप हो सर जो पदटी तैयारी हम से ही पदर पर पदर प्राधान्य रही पड़ो पर पदटा आपण अधिक इम्पोर्टेन्ट हो तेब आपड़ जानवे से क्यों प्रकार समास से हूँ तत्पुरुष समास चलो तो देखा एवं आउ गोटे पॉइंट देखु यार समस्त पदर पूर्व पदर विभक्ति चिन्ह लोप पाए यह कौन आम नेक्स्ट स्लाइड देखा देखु आरंभ हो द्वितीय तत्पुरुष मान द्वितीय विभक्ति द्वितीय विभक्ति आप आम पढ़ी का मानते लास्ट क्लास गृह को आगत आपणकर कौन हो गला गृहगत बर्तमान देखु जहाँ यही लाइन पढ़ी कि पूर्व पदर विभक्ति चिन्ह लोप पाए देखु ये पूर्व पदर विभक्ति चिन्ह कौन थिला कू थिला किंतु समस्त पदर ता लोप पाई जाइछि ओके एवं गृह को आगत आगत माने कौन गृह को आसीबा तबे आपणकर आसीबा पदर प्राधान्य रही जाउछि कि नहीं गृह को आसिले घर को मुहा घर मुहा धान को प्राप्त धान प्राप्त ए सबुर आपण देखि पर्चन्ति पर पदर प्राधान्य मध्य रहिछि एवं पूर्व पदर आपणकर विभक्ति मध्य लुप्त हो जाइछि बा लोप पाई जाइछि एठारे पूर्व पदर थिबा द्वितीय विभक्ति कु समस्त पदर लुप्त होइछि ठीक से हीपरि आपणकर तृतीय रे शिर द्वारा आहत आई एम सॉरी सर द्वारा आहत सराहत विद्यारे हीन विद्याहीन माकड़ द्वारा खिया माकड़ खिया ए सबरे आपण देखि पर्चन्ति आपणकर पर पदर अधिक प्राधान्य रहिछि सर द्वारा माने आपण बुझिले किंतु ता द्वारा कौन होइछि आपण जानि पारले कि जतेबेले आहत आपण सुनिले जदि केवल आहत भी आपण सुनंती ताहाले भी आपण जानि पारंती जे जणे के ही क्षत हो जाइछन्ति जणंकर कोनोसी असु माने दुर्घटना बा आहत कहा को कुछ माड़ बा कहा किछि होइछि किंतु सर द्वारा जितेबेले आपण सुनिबे आपणकर आपण निजे निज अनुसार गुडाए मतलब बाहर करि पारिबे जेपरि कि सर द्वारा पशुपक्षी को हत्या करा जाए सर द्वारा फल को तोला जाए आपण बुझि पर्चन्ते ना कोनोसी गोटी आपणकर बाहरुनी किंतु आहत माने गोटी ही तार अर्थ बाहरुची जे से कोनोसी इंजर्ड हो जाइछंती सेहिपरि माकड़ द्वारा कौन विद्यारे कौन हीन हीन माने जा पाखरे नाही खिया खिया माने जे खाए सेहिपरि प्राप्त होइजिबा मुहा माने गोटे घर घर को किछि तार मीनिंग नै मुहा माने कौन गोटे मुहा हेकि आपण चालू छथि
ସେହିପରି ଗୃହକୁ, ଗୃହକୁ କ'ଣ, ଗୃହକୁ ଆସିଲେ ନା ଗଲେ ନା କ'ଣ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ଆଗତ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ କି ଆସିଲେ, ଯାହାର ଏକମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ସେ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରଧାନ। ତେବେ ଏଠି କାହାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି, ପରପଦର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ। ନେକ୍ସଟ ଏହିଭଳି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିପରି ତତ୍ପୁରୁଷ ପଢ଼ିଲେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ତୃତୀୟ, ଏହାପରେ ଚତୁର୍ଥୀ, ପଞ୍ଚମୀ, ଷଷ୍ଠୀ, ସପ୍ତମୀ ଏହିପରି ଭାବରେ ହିଁ ଅଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଆପଣଙ୍କର PDF ପାଇଁ ରଖିଦେଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଦେଖିଲି ନିଜେ କି 2 hours ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହୋଇଗଲା, ଆଣ୍ଡ ଡେଫିନେଟଲି ଆମ୍ ସିଓର କି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବୋର୍ ବି ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନେଟ୍ ବି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିନଥିବ, କାହିଁକିନା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଲାସ୍ ଦିନକୁ 4 classes ଏବଂ 4 ଯାକ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ଦେନ୍ 30 minutes ବା 40-50 minutes, ସୋ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଟ୍ ବି ନିହାତି ଦରକାର। ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ସମାସ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାଜ, ନଞ୍ଚ ତତ୍ପୁରୁଷ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଡେଫିନେସନ୍ସ ଆପଣ ପଢ଼ିବେ, ଇଜିଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଗୋଟିଏ, ନ ଆବିଳ ଅନାବିଳ, ନ ଉଚିତ ଅନୁଚିତ, ଯେଉଁଥିରୁ ବି ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ ମାନେ କାମଟି ହୋଇପାରିବନି, କାମଟି ନ ହେଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, କାମଟି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ନେଗେଟିଭ ଫିଲିଂ ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଥିବ ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଆପଣଙ୍କୁ ଲେକ୍ ଦେଖାଯାଉଥିବ ମାନେ ଅଭାବ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଦେବେ ଯେ ସେଠି କ'ଣ ହେବ, ନଞ୍ଚ ତତ୍ପୁରୁଷ ହୋଇଯିବ। ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସରେ ନିଷେଧ ଅର୍ଥରେ ନଞ୍ଚ ତତ୍ପୁରୁଷ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହାର କ'ଣ, ସଂସ୍କୃତ ନଞ୍ଚ ଓଡ଼ିଆ ରୂପ ହେଉଛି ନ, ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତରେ ତା'ର ଓଡ଼ିଆ ରୂପ ହେଉଛି ନ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ଅଣ, ଅଣ ବ୍ୟବହାର କରୁ କି ନାହିଁ, ନ ପାଇଁ ନ ବି କରୁ ଏବଂ ତା ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ ଅଣ ମଧ୍ୟ କରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ନ ଆବିଳ ଅନାବିଳ, ନ ଉଚିତ ଅନୁଚିତ, ସେହିପରି ଅଣ ଅର୍ଥରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦେଇଛି, ନ ହଳଦିଆ ଅଣ ହଳଦିଆ, ଅଣ ହଳଦିଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ସେ ହଳଦିଆ ନୁହେଁ, ଅନୁଚିତର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଅନାବିଳର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଆବିଳ ନୁହେଁ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ନେଗେଟିଭରେ ସେ ଆସିଯାଉଛି ନା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅଭାବ, ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିବେ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନଞ୍ଚ ତତ୍ପୁରୁଷ। ଏବଂ ଏହା ପାଇଁ ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଛି ଯାହା ଆପଣଙ୍କର PDFରେ ଦିଆଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଲୁକ ସମାଜ। ଅଲୁକ ସମାଜ ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଇଜିଲି ବୁଝିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କର ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ବିଭକ୍ତି ଲୁଚି ଯାଇଥିବ, ଯେଉଁ ସମାସର ସମସ୍ତ ପଦରେ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲୁପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ତାହାକୁ ଅଲୁକ ସମାସ କୁହନ୍ତି। ଲୁଚି ଯାଇଥିବ ଇନ୍ ଦ ମିନ୍ସ କି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପଦରେ ଥିବ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଏମିତି ରେ କୁ ଏସବୁ ଲେଖା ହୋଇନଥିବ, ଲୁଚି ଯାଇଥିବ ମାନେ ଲୁଚିକି ଥିବ, ଓକେ, ଲୁପ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ ମାନେ କେବଳ ଲୁଚିଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନେ, ବନେ ମାନେ କ'ଣ, ବନେ ମାନେ ତା'ର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଣରେ, ଚରେ ମାନେ ବିଚରଣ କରେ ବା ଚରୁଥାଏ, ବନରେ ଚରେ ଯେ, ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସେହି ବାକ୍ୟ ଯାହାକୁ କି ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ସଂକ୍ଷେପିତ କରିବାର ଅଛି ବା ସଂକ୍ଷେପଣରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାର ଅଛି, ଆମେ କ'ଣ କରିଦେଲେ, ବନେ ଚର, ବନରେ ଚରେ ଯିଏ ସେ କ'ଣ, ବନେ ଚର। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆପଣଙ୍କର ସରି ବିଭକ୍ତି ଲାଗିଯାଇଛି, ଏଠି ରେ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଲାଗିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପଦରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସେହି ବିଭକ୍ତି ଲୁଚି ରହିଛି, ଦେଖାଯାଉନି, ଏମିତି ଭିଜିବଲ୍ ହେଉନି, ବନରେ ଚର ଆମର ଲେଖା ହେଇନି, ବନେ ଚର ଲେଖା ହେଇଛି। ତେବେ ଏଇ ବନେର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ କ'ଣ, ବଣରେ ହିଁ ନା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଅଲୁକ ସମାସ କେଉଁ ସମାସ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ବିଭକ୍ତିଟା ଲୁପ୍ତ ନ ହୋଇ ସମସ୍ତ ପଦରେ ଲୁଚି ରହିଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ତେ ମାନେ କ'ଣ, ଅନ୍ତରରେ ମନ ଭିତରେ ବାସ କରେ ଯିଏ ସେ ହୁଏ ଅନ୍ତେବାସୀ, ଅନ୍ତେବାସୀର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଅନ୍ତରରେ ଯିଏ ବାସ କରେ, ତ ଅନ୍ତରରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଲାଗିଲା, ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହିଁ ଲାଗିଲା, ବିଭକ୍ତି ତ ଲୁପ୍ତ ହୋଇନି, ଲୁପ୍ତ ହୋଇନିର ଅର୍ଥ ହୋଇଯିବ ବାହାର କରାହେଇଯିବ, ସେ ଆଉ ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ତ ଲୁଚିକି ଅଛି ନା, ଅନ୍ତରେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଲେଖାହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏକାର ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଅଲୁକ ସମାସ ସେହି ସମାସ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣଙ୍କର ବିଭକ୍ତି ଥାଏ ସମସ୍ତ ପଦରେ। ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାଜ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାଜରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ବିଭକ୍ତି ଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ହଟିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଅଲୁକ ସମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭକ୍ତି ସମାସର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ବାକ୍ୟର ବିଭକ୍ତି ସମସ୍ତ ପଦରେ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ଥାଏ, ଲୁଚି କରିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ, ସେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକାଧିକ ପଦ ମିଳିତ ହୋଇ ଏକ ବିଷୟ ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝାଇଲେ, ଏକାଧିକ ପଦ
किसी पद अच्छा से मिसीगला परे माने समस्त पद क्रिएट हो गला परे जे कोनोसी गोटे विषय विषय गोटे विषय हो वस्तु हो व्यक्ति हो से बुझे जपरिक आम फर्स्ट एग्जांपल आपड़ मन पका चलो तो मुझे नहीं जाऊँ आपको फर्स्ट एग्जांपल को देखु चक्र अच्छी पानी रे जहार यहाँ मुझे समास समय बुझे थी यहाँ के प्रकार समास मुझे आपण को बुझे नी ठीक अच्छे चक्र अच्छी पानी रे जहार चक्र गोटे पद अच्छी गोटे पद पानी रे गोटे पद जहार गोटे पद ये समस्ते मिसीगले कौन या आपण चक्र पाणी एवं चक्र पाणी मैंने आप कौन बुझुच्च गोटे व्यक्तिर ना हो पारे बा श्रीकृष्ण भगवान हो पारती ठीक अच्छे जितेबले समस्ते मिसीगला कौन यहाँ पर एग्जांपल आपण देखु ये देखूँ सिंह गोटे पद चिह्नित गोटे पद आसन गोटे पद किंतु सिंहासन सिंहासन आप कौन गोटे वस्तु कौन से गोटे विषय नुह गोटे वस्तु जितेबले यहीपर भाव आपणकर किसी पद मिसी आपणकर किसी पद मिसी गोटे विषय वस्तु व्यक्ति को बुझाऊ से हो कर्मधारय समास देखु यही समास साधारणतः विशेषण और विशेष्य पद को नहीं गठित होता है। विशेष्य और विशेषण मान कौन वाक्य पद मान पूर्व पद दुईट पूर्व पद गोटे पर पद गोटे यही दुईट पद दुईट जाक विशेष्य हो पारे दुईट जाक विशेषण हो पारे बा गोटे विशेष्य गोटे विशेषण आपणकर हो पारे देखु सरु अटे धान एठी आपण बाहर करंतु आपण कारक पढ़िले विभक्ति पढ़िले अव्यय पढ़िले हाँ समास पढ़िले सर्वनाम पढ़िले सब पढ़िले एठु आपण कौन जानले वर्तमान धान हेउछि आपणकर विशेष्य धान एक प्रकार शस्यर नाम धान हो आपणकर विशेष्य एवं धानर अवस्था को तार जी अवस्था को जी कह आपणकर विशेष्यर अवस्था को जी विशेषित करे सूचित करे से होचिबा आपणकर विशेषण तेबे धान होचिबा आपणकर विशेष्य एवं सरु होचिबा धानर विशेषण कहीं से धान को विशेषित करुच्छे धानटे के प्रकार धानटे सरु तेबे जो आपण एरी समस्त पद सरु धान से के प्रकार धान को बुझेब सरु धान को ही बुझेब ठीक अच्छे एबे एठी समस्त पद जितेबेले मिसी सारले एही पद गुडी को मिसी गला परे जेउ समस्त पद क्रिएट कले से केवल गोटे प्रकार वस्तु को बुझेला कौन सरुधान सरुधान अनेक किंतु गोटे ग्रुप गोटे कैटेगराइज गोटे क्लासिफिकेशन हो गला जे धान टी कि परे सरुधान एही परि भाबरे होइथिले से होइजिबो कौन आपणकर कर्मधारय समास देखंतु मु एठी आ गुडी एग्जांपल दिछि नील अटे कोई नील कई जपरिकी कई आपणकर विशेष्य कहीं ना ए हे गोटे फुलर नाम गोटे फुलर नाम तेणु ये हूँ विशेष्य कईर रंग किपरी नील तेणु विशेष्यर को जी अधिक सूचित करे विशेषित करे से कौन हो विशेषण तेणु एटी आपणकर जो समस्त पदटी आसला से के प्रकार पद हो गला कर्मधारय समास नेक्स्ट देखो रूपक कर्मधारय कर्मधारय मध्य मध्य आपंकर गोटे क्लासिफिकेशन मुझे बुझे दूची रूपक कर्मधारय कहीं पाने प्राय मुझे देखी जिते भी स्टूडेंट सह आज पर्यटन भेटी से उपमेय एवं उपमान ए दुईट मध्य कन्फ्यूज हो जाती देखूँ जहाँ विषय तुलना दि जाए उपमेय कहुए ठीक अच्छे जेकि प्रकृत वस्तु मानने जदि चंद्र मुख पर जदि कह रमेशर मुख चंद्रपरी हेले काहा सह माने मुख्य वस्तु किए आपणकर चंद्र से होजिबो उपमेय काहा को तुलना करा जायछि रमेश को से होजिबो उपमान क्लियर देखंतु उपमान और उपमेय मध्य अभेद कल्पित हो समास हेले रूपक कर्मधारय अभेद अभेद अभेदर अर्थ कौन भेद नुह अलग अलग आप जापरिवे ना आपण को उपमान भी सामान लगे उपमेय भी सामान लगे से कौन हो रूपक कर्मधारय मान जेकोसी गोटे दुईट जिनस को जब आपणकर दुईट पद को पूर्व पद एवं पर पद ए दुईट पद को आपणकर कंपेरिजन करूँ आपणकर पूर्व पद एवं पर पद दुईट पद जाक मध्य उपमेय एवं उपमान पखापाखि सेम देखु विद्या आपण कौन गोटे रत्न एवं रत्न मान आपणकर हीरा मोती माणिक्य रत्न ए दुई विद्या एक रत्न यह
कहाँ अनुसार पौराण अनुसार ज्ञान अनुसार भगवान अनुसार आम गुरु मानक अनुसार जीवन को उचित उत्तम रूपे परिवहन करिबा पई विद्या नामक रत्न थिबा निहाती आवश्यक। से अर्थरे विद्या एक रत्न तेबे रत्न माने कौन आपणकर रत्न माने मध्ये आपणकर एक वस्तु एक प्रकार पदार्थ से मध्ये आपणकर रत्न तेबे एही विद्या एवं रत्न गोटे उपमय एवं गोटे उपमान होइथिले मध्य सेमानक भितरे अभेद अछि काहेकि ना भेद आमे करि पारु ना माने पूरा बारीक माने आपणको जो 19-20 रहि जाउची सेटा 19-20 डिफरेंट रहि जाउची से होइ जबा आपणकर रूपक कर्मधारय ठीक अछि। विद्या रूपक सॉरी विद्या रूपक रत्न विद्या रत्न एठी विद्या हो जिबा आपणकर उपमेय रत्न हो जिबा उपमान काहेकि ना प्रकृतरे आमे रत्न को कहा सहित तुलना करूचे रत्न को विद्या सहित तुलना करूचे विद्या रूपक रत्न ठीक अछि रत्न को विद्या सहित तुलना करूचे। विद्या एठी कोन प्रकृत वस्तु हेउची विद्या तेणु से हो जिबा उपमेय एवं जहाँ को आमे तुलना करूचे से हो जिबा उपमान। नेक्स्ट देखंतु द्वंद्व समाज द्वंद्व समाज कौन द्वंद्व समाज माने जहाँ आपण रूपक पढ़िले ना उपमय एवं उपमान भितर आपण प्रभेद जापार नए से हीपरी एटी आप जानते द्वंद्व माने आपणकर होचे कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन ठीक अच्छे एथर आप बुझीपे द्वंद्व माने कौन आप द्वंद्व में पड़जे एवं यार आपड़ डेफिनेशन जहाँ भी पढ़ु जोड़े भी पढ़ु गोटे ट्रिक जान दिंतु आपणकर समस्त पद प्राय देख समस्त पदर जहाँ आसब पढ़ा बेले आपण को दुईट परिवर्तन विपरीत पद थी देखा देखु जदि लिंग दृष्टि आम देखा पुअर विपरीत कौन है झी बापार रूपरीत विपरीत कौन है माँ ठीक से हीपरी जदि आम आकार दृष्टि देखा सानर विपरीत कौन हम बड़ कंचार विपरीत पाचिला कलार विपरीत धला ठीक अच्छे जितेबले विपरीत दुईट पद किंतु से मानकर आधार गोटे पड़ो गोटे आधार में ही विपरीत होगा पड़ो जपरिक लिंग आधार में पुअर विपरीत झील दुईट जाकर आम जो विपरीत बाहर कले से लिंग आकार गोटे आधार आकार बाहर कले देखो जो समास प्रत्येक समस्यमान पदर अर्थ प्राधान्य थाए पुअर प्राधान्य अच्छे झीर प्राधान्य अच्छे ये खास कर समस्यमान पदर मान आपणकर समस्यमान पद कौन कौन हो एठी आपणकर जी जी अच्छा पूर्व पद पर पद से आपणकर समस्यमान पद दुईट जाकर आपणकर प्राधान्य अच्छी हरि ओ हर हरिहर बापा ओ माँ बापा माँ सान ओ बड़ सान बड़ कंचा पाचिला कला धन कला ओ धला कला धला ठीक अच्छे आपण सेंटेन्स को यही डेफिनेशन को आपड़ मन न रखिपारे जानवे जितेबले कि आपणकर जिते बड़े आम प्रिवियस इयर प्राक्ट क्वेश्चन करेंगे आप देखिए आप गोटे आसी एपरी मूर्ख पंडित पदटी केउं प्रकार समास पदटी केउं प्रकार समास लेख यह आपणकर आते जदि आप मो सह यही पाठटा पढ़ुंट द्वंद्व समास आपण ये जाणी सारी मूर्खर विपरीत कौन हो पंडित तेबे एही शब्दटी जदि द्वंद्व कहीं कहगला आप रमेश को कहे रमेश तो मूर्ख पंडित तमें से निजे कन्फ्यूजन हो कि मत कौन कहले मत मूर्ख कहले ना पंडित कहले ठीक अच्छे जदि जणक आम व्यवहार करवा एटी आम जणक ही व्यवहार करुचे ना कहीं देखते जो सान और बड़ को आम मिसेले कौन कले सान बड़ गोटे उक्ति हिं आम लिखीदे पुओ झी सी भाव मु पुओ ना मु झी मु हरि ना मु हर मु बापा ना मु माँ ये द्वंद्व क्रिएट हो ठीक अच्छे सर्टकट आप ट्रिक देख दिंतु जहाँ आपणकर विपरीत अर्थ समस्त पदर थी से आपणकर गोटे आधार दृष्टि जदि पद दुईट समस्त पदर पद दुईट आपणकर विपरीत होपर द्वंद्व समास। नेक्स्ट आसला द्विगु समास देखु एटी आप डेफिनेशंस निश्चय भाव में पढ़े बट आपणकर पॉइंट कौन हो जितेबले भी कौन सी संख्या विषय ये किसी मेनसन कर देखो संख्या विषय कारक विभक्ति सबुति पढ़ी मना नुह कितु समास संख्या विषय केवल गोटे ही आसे द्विगु समास आपणकर कन्फ्यूजन बिलकुल रहा ठीक नुह जदि कन्फ्यूजन रोचे यहीटापी जब आप एक्जाम मार्क कटे आसान मैम को गाड़ी शुणी मैंने मोटू गाड़ी
ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କ'ଣ କହୁଛି, କାରକରେ ଆପଣଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଏବଂ ପରିମାଣବାଚକ ଦୁଇଟି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଟାଇପ୍ର ଆସୁଛି, ଏବଂ ବିଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଭକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ଗୁଡ଼ାଏ ବିଭକ୍ତି ସଂଖ୍ୟାବାଚକକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସମାସ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ ଗୋଟିଏ ସମାସ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ। ତେବେ ସଂଖ୍ୟା ଥାଇ ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି କିଛି ପାଇବେ ତାକୁ ଆପଣ ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ୍ରିଫଳା, ତିନୋଟି ଫଳ ମିଶିକି କ'ଣ ହୋଇଛି, ତିନୋଟି ଫଳର ସମାହାର ହେଉଛି ତ୍ରିଫଳା। ସେହିପରି ଷଡ଼ ରିପୁ, ପଞ୍ଚେନ୍ଦ୍ରିୟ ପାଞ୍ଚଟି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଅଷ୍ଟରତ୍ନ ଆଠଟି ରତ୍ନ, ପଞ୍ଚଗବ୍ୟ ପାଞ୍ଚଟି ଗବ୍ୟ, ସପ୍ତାହ ସାତ ଦିନ, ପଞ୍ଚବଟି ପାଞ୍ଚଟି ବଟି, ଚଉପଦୀ, ଠିକ ଅଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସମାସରେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ପୂର୍ବେ ଥାଇ ସମସ୍ତ ପଦର ସମାହାରଟି ଏବଂ ସମଷ୍ଟିକୁ ବୁଝାଉଥିବ ତାହାକୁ ଆମେ ଦ୍ୱିଗୁ ସମାସ କହନ୍ତି, ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ। ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଡେଫିନେସନ୍ସ ଯାହା ବି ପଢ଼ିବେ ଥରେ ମୁଁ ପଢ଼ିଦେଉଛି, ଯେଉଁ ସମାସରେ ସମସ୍ତ ପଦ ସମସ୍ୟମାନ ପଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହାରି ଅର୍ଥକୁ ନ ବୁଝାଇ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝାଏ ତାହାକୁ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ କୁହାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଓକେ, ଏହା ଭିତରୁ କେବଳ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଯିବ, ଏଠି ଯାହା ଯାହା ପୂର୍ବପଦ ପରପଦ ଅଛନ୍ତି ସେ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟମାନ ପଦ, ସମସ୍ୟମାନ ପଦ, ଓକେ। ତେବେ ଏଠି କ'ଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟମାନ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକରେ ଅଛି ଦଶ, ଦଶର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଦଶ, ଦୁଇରେ ଅଛି ଆନନ, ଆନନର ଅର୍ଥ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲେଖିଦେଇଛି ଫେସ୍, ଓକେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଦଶ, ଗୋଟିଏ ହେଲା ଫେସ୍, ଦୁଇଟି ଯାକର ଅଲଗା ଅଲଗା ଅର୍ଥ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଦଶ, ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟମାନ ପଦ ହେଉଛି ଦଶ ଯାହାର ଅର୍ଥ କି ଦଶ, ଏବଂ ଆନନ ହେଉଛି ଫେସ୍ ବା ମୁଖ। ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପଦଟି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଲା ସେ ହୋଇଗଲା କ'ଣ ଦଶାନନ, ଏବଂ ଦଶାନନ ମାନେ କି ଆପଣ କେବେ ମଧ୍ୟ ପୌରାଣିକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବେଦ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଆଉ କାହା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି କି ଯାହାର କି ଦଶାନନ, ଦଶାନନ ମାନେ ଆପଣ ଜଣେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାବଣ। ତେବେ ରାବଣ ନା ଦଶ ମାନେ ରାବଣ ନୁହଁ, ମୁଖ ମାନେ ମଧ୍ୟ ରାବଣ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ଦଶଟି ମୁଖ ଯାହାର ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ଦଶାନନ କହିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ୟମାନ ପଦଗୁଡ଼ିକର ମିନିଂ ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପଦ ଆସିବ ସେ ସମସ୍ତ ପଦ ସମସ୍ୟମାନ ପଦମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉନଥିବ, ସେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଡ଼କୁ ମିନିଂ ବୁଝାଉଥିବ। ଯେମିତିକି ଦଶର ଅର୍ଥ ତ ଦଶ, ଆନନର ଅର୍ଥ ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ, ଓକେ, ବଟ୍ ଦଶାନନର ଅର୍ଥ କ'ଣ ରାବଣ, ଓକେ। ଏଥିରୁ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କି ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ପଦ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ ସେହି ସମସ୍ତ ପଦ ସମସ୍ୟମାନଙ୍କ ପଦର ଅର୍ଥଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଥିବ। ସେହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ ବୀଣା ମାନେ କ'ଣ, ବୀଣା ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏହିପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଏହିପରି ଭାବରେ ତାର ଥାନ ସିଲିଣ୍ଡର ବ୍ୟାଟ ଚଟୁ କ'ଣ କ'ଣ ବୋଲି ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଠି ଏଠି ଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ବୀଣା ପ୍ରତି ନା ନା ଆମ ସରି, ଏଇଟା ତ ଗିଟାର ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ନା, ଏହିପରି ଥାଏ ନା ବୀଣା, ଓକେ, ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କର ବୀଣା ଥାଏ, ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବୀଣା। ପାଣି ମାନେ କ'ଣ, ପାଣି ମାନେ ଆପଣ ଜଳ ବି ନେଇପାରିବେ, ଏବଂ ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ପାଣି ମାନେ କ'ଣ ହାତ, କିନ୍ତୁ ବୀଣା ପାଣି ହାତରେ ଯାହାର ଏଥିରୁ କ'ଣ ସମସ୍ତ ପଦ ତିଆରି ହେଲା ବୀଣା ପାଣି। ତେବେ ବୀଣା ପାଣିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ସରସ୍ୱତୀ, ଏଠି ନା ହାତ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଛି ନା ବୀଣା ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଛି, ଏଠି ବୀଣା ପାଣିଟି ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଛି, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରାଣୀ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ଭଗବାନ ବା ମାତା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି, ଠିକ ଅଛି। ତେବେ ବହୁବ୍ରୀହି ସମାସ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହୋଇଯିବ ନା, ସମସ୍ତ ପଦଟି ସମସ୍ୟମାନ ପଦମାନଙ୍କର ଅର୍ଥଠୁ ଅଲଗା ବୁଝାଉଥିବ। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ନୀଳ କଣ୍ଠରେ ଯାହାର, ନୀଳ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲୁ କଲର୍, ନୀଳ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଏହି ବ୍ଲୁ କଲର୍, କଣ୍ଠରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଥ୍ରୋଟ୍, କଣ୍ଠ, କଣ୍ଠ,
बट आपणकर जो समस्त पद आपणकर क्रिएट हैला नीलकंठ से क्या बुझेला भगवान शिव बा महादेव को बुझेला। क्लीयर यही जो आपणकर बहुब्रीही समास। नेक्स्ट आपणकर अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव रु ही आपण जानपारे जो आपणकर अव्यय थी किंतु से थिबो समस्त पदरे लुकायित बा लुप्त होइ नथिबो। देखंतु जेऊ समासरे अव्यय पद पूर्व पद भाबरे रही अन्य पद सहित समास होइथाय तहिरे अव्ययर अर्थ प्राधान्य थाय। अव्यय पूर्व पद रही गोटे समस्या मान आपणकर समस्त पद गोटे तयारी करथिबो माने समास तयारी करथिबो एवं सेथिरे अव्ययर ही प्राधान्य थिबो बुझिले। अर्थ हेउछि आपणकर किसी वाक्य अच्छे खंडवाक्य जो थी कि आम गोटे समस्त समस्त पद तैयारी कले तेब एठी अव्यय थी क्यों अर्थर एवं यही अव्यय पूर्व पद यटा हूँ आपणकर पूर्व पद यटा हूँ परपद यही अव्यय पूर्व पद सह मिसिकी समास तैयारी करमास कौन थी अव्यय ही मेन थी प्रधान थी। ओके आई थिंक आप बुझीपारे देखते एग्जाम्पल्स देखने आप बुझीपर एवं पीडीएफ प्राक्ट कले आप बुझीपारे भिक्षार अभाव कौन है आपणकर दुर्भिक्ष समस्त पद अच्छी दुर्भिक्ष आपणकर समास कौन हो गला दुर्भिक्ष दुर्भिक्ष आपणकर अव्यय किए हो गला आपणकर अव्यय हो गला दूर दूर आपणकर अव्यय सी कह मिसी देखु भिक्षा सह मिसी पूर्वपद सह मिसी दुर्भिक्ष तेबे भिक्षार अर्थ तो भिक्षा किंतु दूर लगिजा द्वारा दुर्भिक्ष पदर अर्थ कौन हो गला अनाहार बा खाइबा को न मिलबा बुझि पारले। देखंतु मु पुनि थरे कहूची समस्त पदटी हेछि दुर्भिक्ष बा समासटी होछि दुर्भिक्ष दुर्भिक्ष रे दूर हेउछि आपणकर अव्यय एही अव्यय पद कहाँ सह मिसिकि आपणकर समस्त पद क्रिएट करिछि भिक्षा बा पूर्व पद सह मिसी मिसिकी समास तैयारी दुर्भिक्ष तैयारी करी सबुठू इम्पोर्टेंट कहार रहुची दूर ही रहुची दूर ही रहुची कहीं ताहा एटा दू लागिले ही बुझौछि जे कि दुर्भिक्ष माने अनाहार खाइबा को मिली नाही बा भिक्षा मिली नाही किंतु जदि आमे केवल भिक्षा लेखिबा दुह छाड़ी कि केवल भिक्षा लेखिबा तेबे भिक्षा कौन मिली ना मिलनी ना मिलिबो कहा को किछि बुझौ नाही। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल देखंतु बंदोबस्तर अभाव बे बंदोबस्त बंदोबस्तर अभाव आपणकर बे बंदोबस्त एठी आपणकर अव्यय किए बे बे कहाँ सह मिसी बंदोबस्त माने किए देखंतु एठी बे आपणकर कहाँ सह मिसी बंदोबस्त बंदोबस्त कोठी अच्छी एठी माने एडा होची पूर्व पद पुणी थरे पूर्व पद सह मिसिला बंदोबस्त एडा होची आपणकर बे अव्यय एठी एही अव्यय माने बे रही आपणकर प्राधान्य अच्छी काहेकि ना बंदोबस्त त माने बंदोबस्त किछि अरेंजमेंट हो सारी किंतु बे बंदोबस्त लागि द्वारा तार अर्थ अरेंजमेंट हो पारि नाही बंदोबस्त हो पारि नाही किंतु केवल बंदोबस्त माने कौन हो जेबा आपणकर बंदोबस्त होईछि बा होइनी बंदोबस्त भलो अछि ना खराब बंदोबस्त करा जायछि किछि मते बुझा पड़ो नाही तेबे एठी मध्ये प्राधान्य कार रहिछि अव्यय पदर ही प्राधान्य रहिछि। एही परि भावरे समस्त पद होइथिले आपण जानिबे से समस्त पदटी केउ प्रकार समास अव्ययी भावी अव्ययी सरी अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट देखंतु लास्ट आपणक रहिला नित्य समास। केतेक स्थान रे समास वाक्य नथाई मध्ये समास हुए माने समास वाक्य नथिबो किंतु समस्त पद बा समास पदटी क्रिएट होइथिबो जेपरि सेहीपरि होइथिले आपणक नित्य समास कुहा जाय जेहीपरि कि कृष्ण सर्प कृष्ण परिसर्प आपण कहिबे कि कृष्ण परिसर्प माने तार अर्थ कोण कृष्ण होउछन्ती श्रीकृष्ण साप होउछि सापता माने एमिति कोनसी साप अछि जे कृष्णक परि ना एहार कोनसी मध्य समास वाक्य नाही समास वाक्य नाही तेबे ए कोण होइजिबो नित्य समास जेऊ समस्त पद बा समासर कोनोसी समास वाक्य नथिबो समास वाक्य माने देखंतु कोण आपण देखंतु आपण एठे देखिले ना समस्य मान पद देखंतु बा नेक्स्ट स्लाइड कुनी जाउची एठे देखंतु
ए हो समस्य सॉरी एही समास वाक्यर समास हेउछि सिंहासन। ओके एहा किछि न सिंहासन माने अछि सिंह चिन्हित आसन, जेउ आसन रे सिंह चिन्हित होइछि। चिन्हित माने कोन अंका जाइछि, चित्र करा जाइछि, बा तर जो खोली मूर्ति आसन रे खोली ताको ड्रॉइंगटा आपणकर जेपरि कि खोली कि तर चित्रटा करा जाइछि। ठीक अछि एही हेउछि समास वाक्य। एही परि भाबरे जदि आपणकर समास वाक्य नथिबो केवल समास पदटि थिबो तेबे आपण जानिबे जे से होइजबो आपणकर नित्य समास। एहा निर्दिष्ट जातिर नाग को बुझाए। देखंतु कृष्ण सर्प माने गोटे निर्दिष्ट जातिर नाग, अन्य कला साप को बुझाए नाही। सही परि नील कंदर केवल गोटे ही प्रकार कंदर को से बुझेबो श्रीक्षेत्र। जेपरिक आप देखु नीलकंदर मान कौन हो श्रीक्षेत्र। श्रीक्षेत्र पृथ्वी केतोटी अच्छी, पूरी केतोटी अच्छी, गोटे ही पूरी अच्छी। पोको सुंघा छार पोको बिलुआ खाई एसबू इत्यादि हुए, कौन हुए इत्यादि नित्य समास हुए। जार कि आपणकर समास वाक्य नवल समास थे हो नित्य समास। थैंक यू, आई होप आपणको समासटा क्लीअर हो जाइए। देखु जदि आपको बुझा भी पढ़ुनी आप थे नुह दुई थर तीन थर बुझा चेस्टा करूँ। यार PDFटा बहुत भास्ट अच्छी, ताक प्रोभाइड कर दिजिव, बट ता पूर्व आपड़ यह पढ़ी के समासर अर्थ कौन सहजरे बुझाटा बा सरल बुझाटा निहाती आवश्यक। जदि किसी डाउट थे निश्चय पचारे। थैंक यू।